जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स पर। एसएससी की बात करें तो सही मायने में मैंने पहली बार देखा है, मुझे लगभग 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि एसएससी अपने इस तरह के ट्रैक पर है। चाहे बात रिजल्ट की हो, आंसर की हो, या फिर नई वैकेंसी की हो, कैलेंडर की हो, सब टाइम पर है। और ये आप लोगों के लिए भी एक मौका है, आप भी इस एसएससी से सीखें कि कैसे एक बिगड़ा हुआ लड़का या लड़की या बिगड़ा हुआ इंसान जब सुधरता है तो किस हद तक सुधरता है, ये भी आपको भी सीखना है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और सी डी का एग्ज़ाम हुआ था, अभी आपका नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था, 17 नवंबर से लेकर 17 और 18 नवंबर को ये एग्ज़ाम संपन्न हुआ था, जिसका फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था, जिसमें 100 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 रीजनिंग के और 50 जीके के आते हैं, उसके बारे में एग्जाम हुआ था। अभी एग्जाम होने के बाद में जो अगला स्टेप होता है वो होता है स्टेनोग्राफी टेस्ट, जिसमें हम लोग कहते हैं शॉर्ट हैंड, बच्चे सीखते हैं शॉर्ट हैंड बाहर जाकर के और वो सीखते हैं। अब ये जो स्टूडेंट पास हुए हैं, एससी की कट ऑफ रही है 114, एसटी की रही है 105, ओबीसी 129, ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व वालों की रही आपकी, सॉरी ईडब्ल्यूएस की 123, अनरिजर्व की 123, ओएच की 87, एचएच 40, बीएच 63 और अदर्स पीडब्ल्यूडी वाले 40 पे गए। टोटल अगर कैंडिडेट्स देखें जो उन्होंने बुलाए हैं स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए, उनकी संख्या है 13,100। ये टोटल वो स्टूडेंट्स हैं जिनको बुलाया गया है स्टेनोग्राफी के टेस्ट के लिए। अब इनका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा और कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। अब ये ग्रेड डी वाला देखो, पहले ग्रेड सी वाला था, ग्रेड डी वाला देखो, ग्रेड डी में आपके पास कितने कैंडिडेट्स दिए गए, इनकी जो कट ऑफ रही है एससी की 76, एसटी 63, ओबीसी 96, ईडब्ल्यूएस 90, अनरिजर्व्ड 108, ईएसएम 40, ओएच 40, एचएच 40 और बीएचबी 40, अदर्स पीडब्ल्यूडी। और ये इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ईएसएम, ओएच, एचएच, बीएच, ये कई बार आपको हम इसको बता चुके हैं। तो इनमें जो टोटल कैंडिडेट्स बुलाए गए वो हैं 47,246। दो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पास तो हैं लेकिन उनके रिजल्ट को रोक लिया गया है, कुछ रही होगी कोई शिकायत विकायत किसी की रही होगी तो रोक लिया गया है। स्किल टेस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड ऑन 15/2/2023, आपका फरवरी, 15 और 16 फरवरी को इनका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। ये टेंटेटिव डेट्स है, वैसे एसएससी ने दी है तो मान लेते हैं कि ये हो जाएगा। एंड द डिटेल शेड्यूल विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंसर्न रीजनल ऑफिसेस इन ड्यू कोर्सेज। तो 15/2/2023 और 16/2/2023, मतलब 15 फरवरी और 16 फरवरी को आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होने वाला है। रिप्रेजेंटेशन रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू द आंसर की हैव बीन केयरफुली एग्जामिन्ड इन द आंसर की हैव बीन मॉडिफाइड व्हेनेवर नेसेसरी बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल आंसर की। द फाइनल आंसर की इज हैव बीन यूज फॉर इवेल्युएशन। फाइनल आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन 27 से 10 फरवरी के बीच में। जो आंसर की है वो वेबसाइट पर कब अवेलेबल होगी, वो अवेलेबल होगी आपकी 27/1/2023 से 10/2/2023 तक। ये टाइम आपका फाइनल आंसर की को अपलोड कर दिया जाएगा, किसी को कोई चेंजेस कराने हो। और मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन 25/1/2023 से कब तक, 25 उसी दिन रहेंगे, 25/1/2023 से 8/2/2025 से 8 तक रह सकते हैं। जो क्वालिफाइड है उनके टोटल नंबर कितने हैं, जो क्वालिफाइड नहीं है उनके कितने नंबर आए, ये सारी डिटेल्स आपकी 25 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल रहने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। स्टेनोग्राफी अगर सीख रहे थे तो स्टेनोग्राफी के टेस्ट को और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि फरवरी 15 और 16 में आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट है और उसकी तैयारी भी आपकी मजबूत होनी चाहिए। मैं दुआ करता हूं कि आप लोगों का इस एग्जाम में 100%, जिन लोगों ने भी अपना एफर्ट लगाया, जिन लोगों ने भी मेहनत की, जिन लोगों ने एग्जाम्स दिए, उनका सिलेक्शन हो, सिलेक्शन
लक पर नहीं, मेहनत पर डिपेंड होता है। मेहनत की होगी तो ज़रूर होगा, नहीं तो एसएससी के बाकी एग्जाम्स के भी कैलेंडर इशू हो चुके हैं, उन पर भी नज़र बनाए रखिएगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ एसएससी के सभी एग्जाम्स के फ्री कंप्लीट कोर्सेज के लिए। यूट्यूब पर क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स, साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं क्लास 24 पर, जहां पर आपके लिए कंप्लीट कोर्सेज आते हैं एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए। हाँ, रिजल्ट अभी क्या है ना, कट ऑफ जो वेबसाइट पर जाओगे तो वहां से आप कट ऑफ को चेक कर सकते हो, आपके अभी नंबर नहीं शो होंगे। आप अगर उस कट ऑफ में आपका नाम दिया गया होगा लिस्ट में नाम होगा, उससे चेक कर सकते हो वेबसाइट पर जाकर के। और कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको चेक करके। और बाकी जुड़े रहिए बाकी एग्जाम्स के क्लासेस के लिए। थैंक यू, जय हिंद।